योगी सरकार ने बिल्डर और बायर्स के मसले को हल कर दिया है। इसको लेकर कई सालों से रोजाना नोएडा ग्रेटर नोएडा में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। इसके तहत रियल एस्टेट के आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर को 2 साल तक जीरो पीरियड दिया गया है। वहीं इससे लाखों घर खरीदारों को उनका आशियाना मिल पाएगा। उम्मीदों के शहर में खुद का एक सपनों का घर हो, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। खून पसीने की कमाई से लोग एक घर की तमन्ना में सालों समय लगा देते हैं। अब ऐसे ही फ्लैट बायर्स को योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। करीब 10 साल से अपने फ्लैट पर कब्जा लेने की आस में लगे लाखों परिवारों को अब अपना आशियाना मिल जाएगा। NCR क्षेत्र में बिल्डरों के उत्पीड़न से लाखों की संख्या में फ्लैट खरीदार परेशान हैं। NCR में आशियाना बनाने की चाह में फ्लैट बुक किए हुए खरीदारों को कई कई साल बीत चुके हैं। पूरी रकम का भुगतान भी बिल्डर को कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर कब्जा नहीं दे रहे हैं। खरीदारों को समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया है, जिससे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लाखों खरीदारों को राहत मिलेगी। इसको इम्प्लीमेंट करने में देरी जरूरी हुई है, लेकिन रजिस्ट्री होने से गवर्नमेंट का राजस्व भी बहुत गुना बढ़ेगा। आप अगर पीछे सोसाइटी देखेंगे तो इसमें पूरे टावर में कितनी खिड़कियों पे कपड़े टंग रहे हैं, बाकी लोग नहीं रह रहे हैं, उनको आज तक पोजीशन भी नहीं मिला। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ रजिस्ट्री का नहीं है, मुद्दा पोजीशन का भी है। जिनको घर नहीं मिला उनका क्या करेंगे? तो ये जो फंड कहीं से क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ इस पर गवर्नमेंट सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। मैं तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जो है, मैं योगी जी को तो धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो है इस मुद्दे को बहुत मतलब जो है सुना, और टीम हमारी जो है निफोवा की वो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। कभी जो है एक मूर्ति पे जो है मतलब पिछले 53 हफ्ते से जो है हम लोग एक मूर्ति पर जो है धरना देते रहे। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। कम से कम उन्होंने थोड़ा देरी हुआ लेकिन इस पर संज्ञान तो लिया उन्होंने। रजिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक जो होम बायर है वो खुश होगा। मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैं भी नोएडा एक्सटेंशन में सुपर टेकी को विलेज 2 में मेरा फ्लैट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मान लीजिए मेरा लोन है किसी बैंक से, मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ किसी दूसरे बैंक में जहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें सहूलियत होगी क्योंकि मुझे रजिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। योगी कैबिनेट में औद्योगिक विकास का प्रस्ताव मंजूर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बायर्स को मिलेगा फायदा। 10 साल से इंतजार कर रहे बायर्स को मिलेगा अपना आशियाना। योगी कैबिनेट ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी। नोएडा प्राधिकरण का 28,000 करोड़ बिल्डर्स पर बकाया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर 15,000 करोड़ का बकाया। नोएडा में 1,69,250 फ्लैट बनाने की मंजूरी अभी तक दी गई। ग्रेटर नोएडा में 2,61,814 फ्लैट बनाने की मंजूरी दी गई। नोएडा में अभी तक 65,277 लाख रजिस्ट्री हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में अभी तक 96,410 की रजिस्ट्री हो चुकी है। 2 साल तक के पेनल्टी ब्याज से बिल्डरों को राहत मिलेगी। बिल्डरों को 2012 से 2015 तक जीरो पीरियड का फायदा मिलेगा। 2020 से 2022 तक जीरो पीरियड का फायदा मिलेगा। नोएडा में बिल्डरों को 1800 से 1900 करोड़ की राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में करीब 1300 करोड़ का फायदा मिलेगा। नोएडा और गाजियाबाद की बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा फ्लैट बायर्स को फायदा मिलेगा। ऐसे फ्लैट बायर्स जिनको पोजीशन मिल गया था लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, रजिस्ट्री नहीं हुई, या ऐसे फ्लैट बायर्स जिनको पोजीशन ही नहीं मिला, पिछले 10 और 12 साल से परेशान फ्लैट बायर्स को एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो दोनों प्राधिकरण का जो बिल्डरों के ऊपर बकाया है वो भी मिलने का रास्ता साफ हुआ है। बिल्डरों को भी जीरो पीरियड का 4 साल का छूट दी गई है, जिसमें सीधे तौर पर 3,000 करोड़ के आसपास की तमाम बिल्डर परियोजनाओं को छूट मिलेगी। अब ऐसे लोगों को जल्द कब्जा मिलेगा। योगी सरकार ने खरीदारों की समस्या के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन फ्लैट खरीदारों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उन्हें कब्जा नहीं मिला है तो उन्हें कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। वहीं अगर खरीदार फ्लैटों में रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई तो उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।